नमस्कार प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। आप जो अपने स्क्रीन पे जिस पौधों को देख रहे हैं, ये पौधा गुमा का पौधा है, जिसको औषधीय भाषा में दोष पुष्पी के नाम से जाना जाता है। ये दोष पुष्पी पौधा हर जगह पे कहीं ना कहीं पाया जाता है। ये खरपतवार के रूप में इसको काफ़ी सारे लोग बिना पहचाने ही उखाड़ करके फेंक देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। लेकिन आपको जहाँ भी ऐसा पौधा दिखे, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घर के अगल बगल ज़रूर लगा दें, क्योंकि इस गुमे के पौधे में काफ़ी ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। ये आपके शरीर के काफ़ी सारे रोग को ठीक कर सकता है। ये गुमा का पौधा घर के अगल बगल होने से आपको इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। अगर आपको पुराना से पुराना कब्ज हो या फिर गैस की समस्या हमेशा रहती हो, तो उसमें इसका उपयोग बहुत लाभकारी होता है। काफ़ी सारे पुराने पेट संबंधित रोग इससे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। खाली पेट इसका सेवन करने से काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। ये पेट के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, साथ में अगर सिर में चक्कर हो या फिर अगर आपको एनीमिया की समस्या हो, तो भी खाली पेट लेने से या फिर नाक द्वारा इसके रस सूंघने से या फिर काजल के रूप में प्रयोग करने से भी एनीमिया का रोग तुरंत ठीक हो जाता है। ये पौधा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये हमारे घर के आसपास रहे, क्योंकि ये एक तो औषधि है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये दवाओं का खर्च बचाता है। खाने में ये कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन सुबह सुबह 3 से 4 पत्ता इसका अगर पानी के साथ खाली पेट लिया जाए तो ये शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है। आजकल के खान पान से हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। पेट संबंधित रोग से लगभग 50-60% लोग हमेशा परेशान रहते हैं और ये समस्याएं पूरे भारतवर्ष की है। तो अगर आप कहीं पे भी इस तरह की पौधा देख रहे हैं तो इसको अपने घर के आसपास ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास कोई ऐसा चीज़ रहे कि तुरंत उसे लेने से गैस में आराम मिले, पेट दर्द में आराम मिले, सर में अगर चक्कर आ रहे हो तो उससे छुटकारा मिले। और अगर आपने इसको अपने घर के आसपास एक बार लगा दिया तो इसको पुनः लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बीज अपने आप वहीं पे गिरते हैं और यह पुनः अगली बार वहीं पे उग जाता है। तो ऐसे बार बार इसकी साइकिल चलते रहती है और ये हमेशा आपके द्वार पे सुरक्षित रहता है। तो ये रही कुछ छोटी सी बातें गुमा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कृषि संबंधित वीडियो के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।